Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shaky Marchi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shaky. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday, dear Shaky. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday, Shaky Masi. This song is for you. मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है और पनीर के लिए पहले हम मसाला बनाएंगे। आपको पहले बाउल में एक कप दही डालनी है, नॉर्मल दही है, और एक भरा हुआ चम्मच अदरक लहसुन और ग्रीन चिली की पेस्ट, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच रेड मिर्ची पाउडर, दो भरा हुआ चम्मच बेसन, एक चम्मच कस्तूरी मेथी और नमक स्वाद अनुसार, दो चम्मच रेड चिली पाउडर, दो चम्मच तेल, आप गरम तेल भी डाल सकते हो या फिर नॉर्मल ऑयल भी डाल सकते हो, इसको आपको अभी अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद उसमें 1 टेबल स्पून लेमन डालना है, उसको अभी आपको थोड़ा सा मिक्स करना है और ज्यादा कलर के लिए आप
वापस रेड चिली पाउडर डाल सकते हो, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। मसाला मिक्स होने के बाद आपको पनीर के ऐसे मीडियम साइज के थिक पीसेस करने हैं। आप देख सकते हो मैंने कैसे थिक रखा है उसको। आपको रेक्टेंगल साइज में भी नहीं बनाना है, ऐसे ऐसे मीडियम शेप में बनाना है। अभी उसके ऊपर आपको मसाला डालना है पनीर के ऊपर। हम लोग ऐसे अलग से क्यों कर रहे हैं, नहीं तो पनीर अगर बाउल में डालेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा मिक्स करते समय। ये ऐसा तरीका मुझे बहुत इजी लगा और ये बेटर तरीका है मिक्स करने के लिए। या आप अलग से पनीर को सेफली मिक्स कर सकते हो बिना ब्रेक किए हुए। आप देख सकते हैं कि ऐसे करने से वो उसको अच्छे से मसाला लग रहा है पनीर को। अभी आप देख सकते हैं कि पनीर में मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। आपको मसाला पूरा खत्म नहीं करना है पनीर के लिए, बाउल में थोड़ा सा मसाला रखना है। अभी हम उसमें कटा हुआ शिमला मिर्च डालेंगे। ये आप देख सकते हो मैंने ऐसे मीडियम शेप्स स्क्वायर शेप में कट किया है, आपको भी ऐसे ही करना है। मैंने एक पूरा शिमला मिर्च लिया है। उसके बाद ऑनियन को आपको ऐसे पेटल्स रखने हैं मीडियम शेप्स में। मैंने एक पूरा ऑनियन लिया है। अभी उसको आपको अच्छे से मिक्स करना है मसाला में। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको अलग क्यों मिक्स किया है, बिकॉज वो पनीर रहे तो ब्रेक हो जाता था ऑनियन और शिमला मिर्च मिक्स करते टाइम। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है मिक्स करने का। अभी मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हमें उसे फ्रिज में 20 मिनट्स तक मैरिनेट करने के लिए रखना है। अभी वो अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अभी हम उसको स्टिक्स में डालेंगे। अभी हमारी स्टिक रेडी हो गई है। आपको थोड़ा पीसेस क्लोज रखना है ताकि वो थोड़ा टाइट रह सके। मैंने पैन पे कुक करने के लिए वुडन स्टिक का यूज किया है, और डायरेक्ट कुक करना है गैस पर तो आप मेटल स्टिक का यूज कर सकते हो, मैं वो भी करने वाली हूँ। मैंने ये मेटल स्टिक लिया है, उसमें आपको वही तरीके से वो स्टिक बनानी है पनीर की। अभी हमारी मेटल स्टिक भी रेडी हो गई है। आप देख सकते हो मैंने कैसे उसमें फिल किया है। मैं ऐसे ही सारे स्टिक्स बनाऊंगी। अभी मेरी सारी स्टिक्स रेडी हो गई है और मसाला भी उसमें अच्छे से ब्लेंड हुआ है, आप देख सकते हो। अभी हम उसे कुक करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम पैन वाले स्टिक्स बनाएंगे। आपको पैन थोड़ा सा हीट करके उसके ऊपर 1 टेबल स्पून ऑयल डालना है। उसके बाद वो ब्रश करना है आपको। गैस को स्लो टू मीडियम फ्लेम पे रख के उसके ऊपर स्टिक्स डालना है। उसको आपको कंटिन्यूसली टर्न करते रहना है। गैस आपको अभी स्लो फ्लेम पे रखना है। उसके ऊपर आपको थोड़ा सा बटर डालना है।
स्टिक्स के बीच में थोड़ा सा बटर डालेंगे तो भी अच्छा रहेगा, ताकि वो नीचे से भी उसको स्प्रेड होगा अपने आप। ये आप देख सकते हो कैसे अच्छे से बन रहे हैं पनीर स्टिक्स। आपको सभी साइड से ब्राउन लेयर आने तक कुक करना है, वो पनीर पे ऐसा ब्राउन लेयर आना चाहिए हल्का सा। अभी हमारी स्टिक रेडी हो गई है, आप देख सकते हो वो सभी साइड से कुक हो गई है। आपको उसको सिर्फ 5 मिनट तक ही पकाना है, 5 मिनट तक ही पकाने पे वो कुक हो जाती है। अभी हमारे पैन वाली पनीर स्टिक्स कुक हो गई है, अभी हम गैस पे कुक करेंगे डायरेक्ट वो मेटल स्टिक्स को। अभी हम गैस को हाई फ्लेम पे रख के उसके ऊपर मेटल स्टिक वाली पनीर स्टिक पकाएंगे। उसको आपको सभी साइड से टर्न करना है, टर्न करते रहना है। आपको ज्यादा नहीं पकाना है उसको, 2 से 3 मिनट तक ही पकाना है सभी साइड से। अब जितना ज्यादा पकाओगे उतना पनीर हार्ड होगा, सॉफ्ट पनीर खाने में ज्यादा अच्छा लगता है। आप देख सकते हो कैसे अच्छे से वो कुक हो रहा है। अभी हमारी स्टिक रेडी हो गई है, आप देख सकते हो कैसे वो अच्छे से कुक हो गई है। उसका मसाला भी उसको अच्छे से स्टिक हो गया है, एकदम तंदूरी की तरह। ऐसी आपको भी करनी है। इसी तरीके से मैं बाकी स्टिक्स बनाऊंगी गैस पे। अभी हमारी स्टिक्स रेडी है खाने के लिए। ये आप देख सकते हो कैसे अच्छे से बनी है, और वो बहुत ही माउथ वाटरिंग है, टेस्टी बनी है बहुत ही। आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कैसे बनी है। और आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। आप देख सकते हो पनीर अच्छे से सॉफ्ट ही है, ऐसे ही रहना चाहिए। आपको ज्यादा नहीं पकाना है उसको, बाहर से 2 मिनट तक ही पकाना है।